गेहूं के आटे से आज हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता नमक पारे यानी कि मठरी। आप भी एक बार ऐसे बनाकर जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। चाय के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा यमी लगती है, आप बनाइएगा जरूर। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? आपके अपने चैनल किरण विलेज फूड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से नमक पारे, जिसे कुछ लोग मठरी भी बोलते हैं। आप मठरी बोले या फिर नमक पारे बोले, बात एक ही है। उसे आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। मैदे से हम बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं, गेहूं के आटे से बनाएंगे और खाने में एकदम खस्ता होगी, बनाना भी इसे आसान होगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। आप एक बार बना कर देखिएगा। जैसे कि होली का सीजन आ गया है तो गुजिया, पापड़, नमक पारे, मठरी ये सब तो बनाना लगा ही रहता है, तो क्यों ना हम गेहूं के आटे से बनाएं। गेहूं के आटे से अगर हम कोई भी चीजें बनाते हैं तो वो काफी ज्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि गेहूं के आटे से बनी होती है। तो आप भी इस तरीके से इस नमक पारे को बनाकर ट्राई जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लग जाएगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, प्यारा सा लाइक करके ही जाइएगा वीडियो को। और आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, और आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नमक पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप गेहूं का आटा ले रखा है, और आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं। होली आ रही है तो नमक पारे, गुजिया ये सब अच्छा ही लगता है खाने में, तो गुजिया तो बनाते ही होंगे, साथ में नमक पारे आप जरूर से जरूर बनाते होंगे। आप एक बार गेहूं के आटे से नमक पारे बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसमें हम डालेंगे नमक, अजवाइन, मगरायल और कसूरी मेथी, और थोड़ा सा डालेंगे मोयन। सबसे पहले तो हम नमक को इसमें ऐड कर देते हैं, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और साथ में डाल देंगे ये मगरायल जिसे कलौंजी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें तो सभी किचन में आसानी से अवेलेबल होती हैं, मिल ही जाती हैं। अजवाइन को हम थोड़ा सा इस तरीके से क्रश करके डालेंगे, क्रश करने से क्या होता है काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, और डाइजेशन के लिए भी अजवाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और ये कसूरी मेथी जो हमने ले रखी है उसे भी हम क्रश करके डालेंगे, इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप भी ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास कसूरी मेथी वगैरह ना हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप परेशान ना होइए, सिर्फ नमक अजवाइन से ही बहुत ही टेस्टी आप नमक वारे बना सकते हैं। कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून देसी घी। हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं इसलिए हम मोयन थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे। 3 टेबल स्पून देसी घी हमारा हो गया, और हाथ अच्छा खासा साफ होना चाहिए, अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं मोयन को। मैंने देसी घी से मोयन कर रखा है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल से भी मोयन कर सकते हैं, और मैंने कहा है ना कि देसी घी थोड़ा सा हमें मोयन ज़्यादा ही डालना होगा, देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कटोरी भर भर के मोयन डालें, ऐसा नहीं करना है। आपको मोयन अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस तरीके से उठाना है और इसे वाइंड करना है। देखिए बंध रहा है ना, बहुत ज़्यादा बंधना नहीं चाहिए वरना फिर एकदम ऑयली ऑयली लगेगा, खाने में टेस्टी फिर नहीं लगेगा आपका नमक पारे जो आप बनाएंगे। और अच्छी तरीके से मोयन मिक्स करने के बाद हम फटाफट से इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, और एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे हम। डो को मैंने लगाकर तैयार कर लिया है, और अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देते हैं सेट होने के लिए, इससे हमारे नमक पारे और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। 10 मिनट बाद हम डो को अपने चेक कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से डो हमारा सेट हो गया है। अब हम इसमें से लोई कट करेंगे, मैंने यहाँ पे देखिए 4 लोई बना ली है, और अब हम एक लोई को इस तरीके से लेंगे और थोड़ा सा चपटा करेंगे। ये देखिए लोई हमारी बनकर तैयार है, इसी तरीके से हम अपनी सारी लोई को बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक लोई को हम लेंगे और इसे बेल के हम तैयार करेंगे एक रोटी के आकार में इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे सूखा मैदा या फिर ऑयल वगैरह नहीं लगाया है, आप चाहें तो सूखा मैदा थोड़ा सा डस्ट कर सकते हैं चॉपिंग बोर्ड पे। मैंने ये बड़ी सी रोटी बेल कर तैयार कर ली है, और अब हम कट करेंगे। आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, आपको कैसे नमक पारे चाहिए इस तरीके से हमें कट करना है, ऐसे बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं कट करने हैं हमें। मैंने ये देखिए कट करके तैयार कर लिया है, और अब हम बीच से इसमें एक और कट लगा देंगे, आप चाहें तो और भी छोटे छोटे कट कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ से एक और कट लगाएंगे, और इधर साइड भी ऐसे ही सेम कट लगा देंगे हम। मैं इतने ही बड़े बना रही हूँ, आप चाहें तो छोटे छोटे बना सकते हैं, जैसे कि बीच में एक या दो कट आप और लगा सकते हैं। उठाना भी देखिए बहुत आसान है, इस तरीके से सारा हम उठा लेंगे, और उठा के इसे हम एक प्लेट में रखेंगे, ऐसे अलग अलग हो जानी चाहिए। सारे नमक पारे को मैंने कट करके बना लिया है, ये देखिए
कुछ लोग तो इसे मठरी भी बोलते हैं। तो तेल को मैंने पहले से ही गर्म कर रखा है। रिफाइंड ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर रखा है और अब हम इसमें डालेंगे अपने सारे नमक पारे को। इस तरीके से अपनी मठरी को हाथ को बचाते हुए हमें डालना है। थोड़ा सा हम इन्हें इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरीके से चारों तरफ से सिक जाएं, वरना एक साइड सिक जाएंगे और दूसरी साइड कच्चे रह जाएंगे। तो चलाना हमें बंद नहीं करना है, सेम इसी तरीके से चलाते रहना है और फ्लेम मीडियम रखना है हमें, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, गेहूं के आटे के हैं जल जाएंगे। सारे नमक पारे देखिए कितनी अच्छी तरीके से तेल में पक चुके हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। सारे नमक पारे को मैंने निकाल लिया है और थोड़ी देर कढ़ाई के ऊपर रखा था ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, और नीचे मैंने बचे हुए सारे अपनी मठरी को डाल दिया है पकने के लिए। तो सेम इसी प्रोसेस से हम अपनी सारी मठरी को बना लेते हैं। सारे नमक पारे मैंने बनाकर तैयार कर लिया है सारी मठरी को, और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही यमी लगती है ऐसी मठरी। आप इसे बनाकर महीने भर स्टोर करके खा सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा खस्ता है, ये देखिए कितनी खस्ता है ना। आप ऐसे ज़रूर बनाइएगा एक बार, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और चाय के साथ तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मार्केट से आप मठरी लाना भूल जाएंगे और गेहूं के ही आटे से इजीली घर पे इस मठरी को बना के, नमक पारे को बनाकर एंजॉय करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम आए गए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करके ही जाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहे, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।